durian ice cream. Durian? Durian is a kind of fruit that smells very strange. I can't bear much, I'm going to go outside. It's a very big mountain. You can write Hindi bhi likha hai, dhroom paan nishedh. What is this? Durian ice cream. Durian? Yes. Okay, give one. Okay. Thank you. How much? 10. तो अभी मैंने ले लिया ये durian ice cream. Durian यहाँ बहुत famous, जिसके बारे में अपने पहले वीडियो में भी बोला हूँ. ये durian एक तरह का fruit है जो बहुत ही अजीब सा smell करता है. तो अभी ये ले रहा हूँ 10 ringgit. ठीक लग रहा है, वैसे ये बहुत महंगी आती है. तो 10 ringgit मतलब लगभग 170 रुपए की है ये ice cream. इतनी छोटी. तो अभी मैं जा रहा हूँ उसको खाने और उसको बताऊँगा कैसा टेस्ट इसका. काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं. बहुत ही गंदा महक रहा है. खाया भी नहीं जा रहा है ऐसे. बहुत ही अजीब सा टेस्ट है इसका. थोड़ा सा निकाल के खा रहा हूँ, उसमें ये बहुत अजीब सा लग रहा है सच में. ये कुछ कटहल जैसा लग रहा है, जो मीठा कटहल होता है शायद उस तरह लग रहा है. पाकिस्तान में कहाँ? लाहौर. अमृतसर. तो आप यहाँ खोल तो रहे हैं, घूमने आते हैं. खुल जाएगा. आप कितनी देर ये सरकार? तो आप यहाँ कितने साल उस काम कर रहे हैं मलेशिया में? 10 साल. ये ड्यूरियन कहाँ उगाया जाता है? ये मलेशिया में. मलेशिया में ही होता है. इंडोनेशिया. थैंक यू. ये दिव्यांश भाई जो आइसक्रीम खा रहा है ड्यूरियन, इसके बारे में काफ़ी सुना था कि बहुत ज़्यादा स्मेल करता है और बहुत हैवी स्मेल करता है, बहुत दूर से स्मेल करता है और शायद फ्लाइट में अलाउड भी नहीं है. और आज जब दिव्यांश ने आज ट्राई किया और वो बैठ के खा रहा है मेरे पीछे, बट इतना गंदा स्मेल है, यहाँ तक स्मेल कर रहा है. बट हाँ, बर्दाश्त कर सकते हैं, वैसे भी कोई बात नहीं है. इट्स अ फूड, नथिंग टू वरी. किसी तरह खा रहा हूँ लेकिन ठीक टेस्ट है. बैकबोन और इन सब के लिए, बैकबोन में जो पेन होता है उन सब के लिए भी अच्छा है ये. जिन पाकिस्तानी भाई की दुकान से मैंने लिया उन्होंने बोला ऐसा. बाकी दुर्गेश को भी इसकी पिक्युलर स्मेल, जो अजीब सी स्मेल है, वो अच्छी नहीं लग रही है. तो जो लोग भी आ रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे हैं. इसका नाम है ड्यूरियन और एक ही फ्रूट है. और आप कहीं पर भी जाके मांगेंगे पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे. बेटर यही रहेगा कि आप लोग इसको आइसक्रीम में ही खाएं, क्योंकि डायरेक्ट आप फल खाएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग झेल नहीं पाएंगे. ओह, यू ऑलरेडी हैव गर्लफ्रेंड? आई दिस गर्लफ्रेंड ऑलरेडी ब्रेक अप. मेबी लेट्स टाइम आई ट्राई एंड फाइंड इट हियर. ओके. सो डू यू नो अबाउट बॉलीवुड? बॉलीवुड इज वेरी फेमस वन कॉल्ड पीके. पीके? या पीके इज अ मूवी. आमिर खान. आमिर. या सो हैव यू सीन दैट? तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाटू केव्स में, और बाटू केव्स में जाके थोड़ी देर वहाँ रहेंगे, फिर मैं वहाँ से निकलूँगा अपने एक दोस्त के यहाँ और दुर्गेश जाएगा अपने हॉस्टल में. और तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर उनसे थोड़ा वार्तालाप कर रहे हैं. और यहाँ से मेरे ख्याल से 10 मिनट का ही रास्ता है और बाटू केव्स के लिए. वहाँ KTM जाती थी लेकिन हम लोग पास टाइम ही कमी, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना ग्रैब ही कर लिया जाए, डायरेक्ट पहुँचा दे. ये मेरा ड्यूरियन ख़त्म हो गया, ड्यूरियन आइसक्रीम. और टेस्ट तो ठीक था, मतलब मैंने खा लिया, कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन अभी मुंह में अजीब सा थोड़ा सा टेस्ट बना हुआ है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक था. तो अभी हम लोग आ गए हैं बाटू केव्स और ये है मेरे सामने बाटू केव्स. और दुर्गेश, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? दुर्गेश बताओ यार कुछ. ये एक्चुअली जो बाटू केव है, यहाँ पे कार्तिकेय भगवान का टेम्पल है. ये मैं, आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत पहले जब मलेशिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो उन्होंने बहुत सारे तमिल
वर्कर्स को, लेबर्स को यहाँ पर लेके आया था काम करने के लिए, और बहुत पहले वो यहाँ पर फिर बस गए धीरे धीरे। तो वो कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा करते हैं, और साउथ में उनको मुर्गन कहा जाता है, मुर्गन भगवान। तो ये बेसिकली मुर्गन भगवान का टेम्पल है, और बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। थैंक यू दुर्गेश। और जैसा कि दुर्गेश ने बताया, ये कार्तिकेय भगवान का टेम्पल है जो कि शंकर जी के पुत्र हैं। और उधर देखिए दूर में शंकर जी वहाँ पर, और मेरे पास अभी भी डूरियन का वो डब्बा बचा हुआ है, इसको भी फेंकना है कहीं पर, कहीं डस्टबिन तो दिख नहीं रहा है। वो बेसिकली दुर्गेश लग रहा फिर से कुछ दिखाना चाहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिस इज टेम्पल ऑफ शंकर पुत्रा। यहाँ पुत्रा वर्ड बहुत फेमस है, जैसे जलान मतलब स्ट्रीट, बुकिट बिटैंग जहाँ गए थे हम लोग, बुकिट माने माउंटेन, और पुत्रा माने क्या है, पुत्र है या पता नहीं क्या है, वो तो नहीं होगा। बाकी बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। और कितनी सीढ़ियाँ हैं मुझे आइडिया नहीं है, अभी बताता हूँ कितनी सीढ़ियाँ हैं इसमें। यहाँ पर पार्किंग है पूरा, ये एरिया पार्किंग का अभी काफ़ी चल रहा है हमें। तो इधर फ़ोटो खिंचाया जा सकता है, काफ़ी अच्छा है फ़ोटो खिंचाने के लिए। बाकी यहाँ पर नारियल पानी काफ़ी यहाँ फेमस है, और इधर मंदिर है, ये पूरा बहुत बड़ी मूर्ति है। और ये ऊपर मोर जो कि सवारी है इनकी। तो अभी हम लोग बाटू केव्स की सीढ़ी के नीचे हैं, और अभी हम लोग को सीढ़ी चढ़ना है। तो टोटल यहाँ पर 272 सीढ़ियाँ हैं, और ये सीढ़ी पूरी रंग बिरंगी है जैसे देख सकते हैं। और पीछे बंदर दिख रहे हैं, तो बंदरों से सावधान रहना क्योंकि वो आपका सामान ले जा सकते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं इस चढ़ाई को। तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, स्टीप है पूरा सीढ़ी, तो थकान होती रहेगी, तो पकड़ पकड़ चले क्योंकि हादसा हो सकता है। और ध्यान नहीं दिया, यहाँ एक बंदर। इनको ना ही छेड़ें तो अच्छा है। सीढ़ियाँ एकदम स्टीप है, हालत खराब हो रही है, चढ़ते रहो जो लगा के हैशा। तो आप लोग जब भी आए तो फुल कपड़ा पहन के आए, क्योंकि शॉर्ट्स में अलाउड नहीं है यहाँ पर। और ये मैं पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, इसको क्या हो गया। छोटा सा झरना उधर। बाय बाय। तो भाई जब भी यहाँ पर आओ रेबीज का इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि अगर ये काट लिया तो रेबीज होने का चांस है। तो अगर किसी को काट ले और बीट कर जाए तो वो डॉक्टर के पास जाके रेबीज का इंजेक्शन साथ में बताना दे। और मुझे तो टेंशन ही नहीं क्योंकि मेरे साथ ही डॉक्टर है। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। और इस समय हम लोग बाटू केव्स के अंदर हैं, ऊपर से लगातार पानी गिर रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऊंचा केव है ये।
यहाँ गायत्री मंत्र भी बज रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हम इंडिया में ही पहुँच गए किसी मंदिर में। और सामने का नज़ारा तो खैर बहुत ही अच्छा है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोग को। हिंदी में लिखा है धूमपान निषेध। ये बाटू केव जिस तरह हमारे इंडिया में विशाखापट्टनम के पास अराकू केव से एकदम उसी तरह ही है, ये पूरा केव। अब आ गया वापसी का टाइम और अब दोबारा 272 सीढ़ियां नीचे उतरनी होगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे केटीएम लाइन पर, वहां से मेट्रो पकड़ेंगे। यहाँ पर कूड़ा ना फैलाएं, बहुत कूड़ा है इधर। जो भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो अगर आप साफ़ सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम कूड़ा ना फैलाएं। हम लोग आ गए डूरियन का एक मार्केट, उसके अंदर यहाँ एक अजीब सी महक बनी हुई है। ज़्यादा बियर नहीं कर पाऊँगा, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। चलो तो बाटू केव से मैंने एक ट्रेन ली है जो केएल सेंट्रल होते हुए, मेरे दोस्त उसका नाम विवेक है और मैं अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ, एंड फिर मैं उसके घर से डायरेक्ट मैं अपने एयरपोर्ट चल रहा हूँ। और मेरी रात की फ़्लाइट है जो कि है डेंपासार बाली के लिए, और एयर एशिया है 10 बजे की, रात 10 बजे। बाकी ये जो ट्रेन है ये काफ़ी स्लो चलती है, लोकल ट्रेन है यहाँ की, और अपने यहाँ जैसे लोकल ट्रेन होती है हिलती डुलती रहती है ऐसे इधर उधर इधर उधर, ये वैसे ही एकदम है। बस डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ पूरी एयर कंडीशन है और मेट्रो की तरह दिखती है, लेकिन ये है नहीं मेट्रो एक्चुअली, और ये रुकते 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 जाती है। तो ठीक है, ठंडी में बैठे अपना, और अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि चार्जिंग भी अब कम हो गया है। फाइनली मैं उस स्टेशन पे आ गया जहाँ मुझे उतरना था। और भाई बढ़िया यार। तो अभी हम लोग आ गए हैं नासिल लेमाक खाने। इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं विवेक के साथ। एक्चुअली ग्रोप हो गई, बैटरी डाउन हो गई, तो अभी इसी से थोड़ा सा बाद में अटैच कर दूँ। राइस। आ गई हम लोग की नेस्कैफे। दिस इज कॉल्ड नेस्कैफे पनास। सो बेसिकली पनास इज लाइक हॉट हॉट एरिया, दिस इज हॉट नेस्कैफे। काफ़ी बिटर है ये, कौवा बहुत लग रहा है, चीनी की जरूरत पड़ेगी। और ये है लासी नेमाक, इसमें एग राइस और कुछ सैलेड्स, और ये चिकन का पीस है, और ये ग्रेवी दिया इन्होंने। और ये एरिया कौन सा है? कोटा वेरिसा। अभी हम लोग कोटा वेरिसा में हैं और ये एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है।
तो हमारा नासी लेमाक आ गया है, और नासी मतलब बेसिकली यहाँ पर राइस होता है, यहाँ की ये लोकल डिश है। यहाँ पर एग है, राइस है, कुछ चले चिकन का एक चीज दिया है, और ये ग्रेवी क्या है इसमें? दाल एंड सांभर। दाल एंड सांभर है, सांभर सांभर सांभर, ओके सांभर है। तो यहाँ का मतलब इस लोकल सांभर, ओके दाल।